भागलपुर के रंगरा में बीते रविवार को लापता महिला के हत्या मामले में जमकर बवाल हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई की, मामले में गिरफ्तारी हुई, थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई हुई, लेकिन अभी भी जदयू विधायक गोपाल मंडल शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। घटना के एक सप्ताह के बाद गोपालपुर विधानसभा के विधायक पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे, लेकिन यहां भी उनके भड़काऊ बोल जारी रहे। उन्होंने यहां कहा कि अति पिछड़ा समाज को बदनाम किया गया है, अति पिछड़ा का नाम केस में दिया गया है, अगर अति पिछड़ा का नाम केस से नहीं हटाया गया तो युद्ध जारी रहेगा, आग धधकेगा। आप इस बयान से सहज अंदाज लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद उसे शांत कराने के बजाय किस तरह विधायक राजनीतिक रोटी सेकने में लग गए हैं। इतना ही नहीं, यहां उन्होंने पीएम रिपोर्ट से पहले ही अपनी रिपोर्ट बता दी। उन्होंने बलात्कार की पुष्टि कर दी, साथ ही कहा कि हम ही जांच कर दिए, अब जांच क्या होगा, हम मुख्यमंत्री से बात करने फिर जा रहे हैं, बात करेंगे, एसपी का किया धरा है, बड़े पदाधिकारी गलत लड़के के साथ मिले हुए हैं। इससे पहले भी घटना के दिन उन्होंने प्रेस वार्ता कर एसपी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी और मामले को पूरी तरह से जातीय रंग देने में लग गए थे। पटना में अभद्र तरीके से मीडिया से बात की, यहाँ भी एसपी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। तो क्यों होनी चाहिए? अरे हम तो जांच लिए, जांच क्या होगा, विशेष तौर पर क्या होगा, पुलिस मौजूद है, पुलिस नहीं संरक्षण दे रहा है अति पिछड़ा समाज को, और एसपी मौजूद है, नए एसपी आए हुए हैं, वो ये लोग मिलने के लिए जाए, वो मिले नहीं एसपी, जांच क्या होगा, जांच तो हो गया, बड़े पदाधिकारी मिले हुए हैं गलत लड़के के साथ। और सुन लीजिए, ये एक दिन किसी प्रकार का कार्यक्रम था, शील्ड वितरण करने के लिए एसपी साहब आए थे। क्यों आए एसपी साहब? आपको चुनाव लड़ना है, एसडीओ आ जाए तक तो बात हो, पुलिस को कैसे शील्ड वितरण करना चाहिए? इसलिए ब्राह्मण समाज ने उनको बुलाया तो चले आए। 3 घंटा ब्राह्मण के घर में बैठा, छोड़े सबका मन बढ़ गया, तब उन्होंने ये गलत अंजाम दिया। हम जनप्रतिनिधि, हमको बुलाएगा कुछ करने के लिए, शील्ड बांटने के लिए, तो हम कुछ देवो करेंगे, वो आज है कल चले जाएंगे, वो क्या दे सकता है? इन लोगों का मन बढ़ गया कि ब्राह्मण समाज के एसपी आ गए हैं, जो कर देंगे सब पच जाएगा। पचिए न गया, एक कंप्रोमाइज करवाने के लिए, केस को कंप्रोमाइज करवाने के लिए 45 आदमी का नेम एफआईआर किया गया, अज्ञात 250 आदमी को दिया गया, तो कंप्रोमाइज होने वाला है। आग धधकेगा। ब्राह्मण कोई दूसरा हमारा नहीं है, ब्राह्मण समाज के लोग हमारा है, हमको वोट देते हैं, चाहे जिस दल से लड़े वोटवा देता है, लेकिन कुछ मन चले लोगों ने कुकर्म किया। भागलपुर में धर्म परिवर्तन जैसा मामला सामने आया है। कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र की पुरानी बाजार स्थित एक किराए के मकान में कई साल से इलाज के नाम पर अनपढ़ और गरीब गांव की हिंदू महिलाओं को बिना इलाज के बीमारी ठीक होने की बात कहकर ब्रेनवास किया जाता था। ईसाई धर्म के बारे में हिंदू महिलाओं को बताया जा रहा था। रविवार के दिन बंद कमरे में प्रार्थना सभा कर हिंदू महिलाओं से बीमारी दूर होने का दावा किया जाता था। मामले की जानकारी मिलने पर रसलपुर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर कमरे से कई बाइबल की किताब और कैलेंडर बरामद किया। साथ ही एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार युवक ने जिले के कई जगहों पर बंद कमरे में प्रार्थना सभा आयोजित होने की बात कही है। वही मामले पर पुलिस के वरीय पदाधिकारी ज्यादा जानकारी देने से परहेज कर रहे हैं। कहलगांव SDPO शिवानंद सिंह ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले से इनकार किया है। वही इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद के सदस्य कुश पांडे ने कहा कि इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है और जिला प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब इस पर कार्रवाई करे। हाँ, और कुछ करने के लिए नहीं आए? कितने लोगों को कब से यहाँ करा रहे हैं? क्या ये प्रार्थना, किस टाइप का प्रार्थना है? यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं लोग, बीमार लोग आता है उसके लिए प्रार्थना दुआ करते हैं, ठीक ठाक होता है, बस यही, और क्या है? कब से ये चल रहा है? ये 2017 से चल रहा था यहीं पर। हाँ, कितने लोग आपके यहाँ आते हैं प्रार्थना में? 4, 5, 6 लोग, 10 लोग ऐसे ही। किस किस धर्म के लोग शामिल हैं? मुस्लिम है, सॉरी हिंदू लोग थे, यही लोग के लिए ही। अच्छा, क्या क्या किस तरह का उनका समस्या था जो आप दूर कर रहे थे प्रार्थना? हम दूर नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह दूर करता है, मुस्लिम के नाम से प्रार्थना करते थे। हाँ, इधर कब से ये क्या कर रहे थे? अभी जो लोग थे ये कहाँ के लोग थे? सभी लोकल ही लोग थे, यही रसलपुर एकचारी के लोग सब थे। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोकिम नाम है। तो आप बाइबिल पढ़ा रहे हैं और प्रभु यीशु के बारे में बता रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आया। देखिए भैया, आप लोग इधर देख बोली, आप मुस्लिम है और बाइबिल पढ़ा रहे हैं, आप मुस्लिम और बाइबिल के बारे में बता रहे हैं। हम भी बीमार थे ना,
यीशु मसीह के पास में गए थे प्रार्थना दुआ करते हम भी ठीक हो गए थे, तब से हम भी यीशु मसीह को मानने लगे। क्या चीज कैसे बीमार थे, किस मामले बीमार थे कि तबियत खराब बार बार होता था, ठीक रहते थे यीशु मसीह के पास लोग प्रार्थना किया हम भी ठीक हो गए तो यीशु मसीह के बारे में बता देते थे। अच्छा, कहाँ घर है आपका? नाम आपका? रसलपुर थाना अंतर्गत एक चारी ग्राम में मोहम्मद मुकीम द्वारा दूसरे समुदाय का प्रार्थना सभा आयोजित किया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और विरोध के उपरांत तत्काल वहां पर पुलिस पहुंची और उनको पूछताछ हेतु थाना पर लाई और उसमें अभी किसी भी तरह का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का मामला प्रकाश में नहीं आया है। हम लोग जांच के उपरांत उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कुछ बताया सर, गिरफ्तार जो पूछताछ के लिए युवक लाया गया? नहीं, उस तरह का मामला किसी भी तरह से दबाव में धर्म परिवर्तन का मामला नहीं आया, किसी ने किसी भी तरह का आवेदन भी नहीं दिया है और हम लोग गहनता से इस पर जांच कर रहे हैं। थैंक यू। सोशल मीडिया के माध्यम से और कई जानकारी के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है कि भागलपुर में कई जगहों पर धर्म परिवर्तन जैसे मामलाए देख रहे हैं, बंद कमरे में बाइबिल, बंद कमरे में प्रतीक चिन्ह, उसके माध्यम से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वैसे अति समाज, पिछड़े समाज के लोग, वैसे गरीब तबके, मजदूर तबके के लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि आप इस धर्म में जाएंगे तो आपको ये फायदे मिलेंगे, अलग अलग तरह का लाभ प्रलोभन दिया जा रहा है या धर्मांतरण किया जा रहा है। या साफ तौर पर अगर इसको अगर लोग कहीं कहेगा कि नहीं धर्मांतरण नहीं है तो यह कहीं से उचित नहीं होगा। तो जिला प्रशासन को ऐसी चीज़ों पर रोकथाम लगानी चाहिए, जिला प्रशासन को दबिश करना चाहिए कि ऐसे बंद कमरे में आखिर किस, साफ तौर पर यह संदेश है कि आप वहाँ पर ब्रेन वॉश कर रहे हैं, गरीब लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, धन का प्रलोभन दे रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट का प्रलोभन दे रहे हैं, यह साफ तौर पर धर्मांतरण है और धर्म परिवर्तन है, यह कानून की नज़र में अपराध है, इस पर रोक लगानी चाहिए और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को अलग अलग जगहों पर दबिश करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ यह एक जगह की घटना नहीं है, अलग अलग कोनों में कई जगहों पर ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं, प्रशासन को दबिश कर ऐसे लोगों को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड की गोनूधाम मंदिर परिसर में 3 दिवसीय माघी मेला को लेकर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुश्ती प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों से भागलपुर पहुंचे पहलवानों ने अपना दम दिखाया। पुरुष पहलवानों के साथ साथ महिला पहलवानों ने भी एक दूसरे को अपनी ताकत से पटकनी देकर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया। दंगल प्रतियोगिता देखने के लिए भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के कई जिलों के लोग पहुंचे थे। दंगल प्रतियोगिता में अव्वल रहे पहलवान को मेडल और नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। बता दें कि प्रत्येक साल भागलपुर की जगदीशपुर के गोनूधाम मंदिर परिसर में माघी मेला के बाद 3 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जहां देश के कई राज्यों की महिला और पुरुष पहलवान हिस्सा लेते हैं। मेरे को आके बहुत अच्छा लगा। तो क्या कहना चाहेंगे अभी के लड़कियों को, महिलाओं को जो घर से नहीं निकलती है यार, इस टाइप से जैसे आज आप लोग इसमें भाग लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लड़कियों? मैं यही चाहती हूँ कि जैसे हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग पब्लिक आए हैं हमको देखने के लिए, तो हमारे जैसे उनके भी पेरेंट्स सपोर्ट करें ताकि हमारे जैसे वो भी अच्छे खिलाड़ी बने और देश का नाम रोशन करें। ओलंपिक जी, ओलंपिक के लिए जो है देश के? नहीं, मैं नेशनल खेली हूँ बस, अभी आगे जाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। क्या नाम है? शिवांगी सिंह, बक्सर बिहार। हमको आके कुश्ती लड़की बहुत अच्छा लगा है और यहाँ की जनता और जो कमेटी है हमें बहुत सम्मान इज्जत सब कुछ दिया है और ऐसा मतलब आप लोग बार बार बुलाएं कि हम इस क्षेत्र में और अन्य अन्य जगह में जाना चाहें। कई राज्यों से पहलवान आए,
आपने अपना जौहर दिखाया, महिलाओं को लड़कियों को क्या कहेंगे? हम लड़कियों को ये कहना चाह रहे हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को या पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में किसी भी फील्ड में लाइन में वो भेजे, उनको आगे बढ़ाएं और उनको आगे बढ़ाने की सपोर्ट करें। रोशनी पहलवान, प्रयागराज, यूपी। अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास एवं 1500 रोड ओवर ब्रिज अंडरपास का शिलान्यास उद्घाटन राष्ट्र का समर्पण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज किया गया। इसको लेकर स्टेशन में 41,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं की सौगात देशवासियों को दी गई। वहीं कार्यक्रम में भागलपुर के सबौर स्टेशन के रेलवे पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, शहर के गणमान्य लोग, चिकित्सक, शिक्षाविद, समाज सेवी और दर्जनों कर्मी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलान्यास उद्घाटन से पहले स्थानीय स्कूलों के चौधरा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बच्चों के बीच प्रतियोगिता में अव्वल आए बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया।